उनका जो पर इंटर कॉलेजों में और राजकीय कॉलेजों के परमानेंट प्रवक्ता हैं उनका मूल वेतनमान 47,600 है और हमको 15,000 ही मिलता है। हमको छठवा वेतन समिति का लाभ दिया गया था लेकिन सतवें वेतन समिति का लाभ नहीं दिया जा रहा है। पर जो है हम लोगों को बहुत परेशान करते हैं, वादन को लेकर के परेशानी होती है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि वादन हटा करके हम लोग को नियमित किया जाए। सर हम लोग धरने पर बैठे हैं, सरकार सुनेगी कैसे? नहीं सुनेगी, सुनेगी या नहीं सुनेगी, कल सुनेगी, लेकिन हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं तो बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। आज जिस वेतन में हम लोग अपने आप को झेल रहे हैं, जिसमें मेरा परिवार रह रहा है, उस वेतन में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के सार्थ में आता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले में मेरा विद्यालय है, लेकिन जो वेतन हम लोग को प्रेजेंट टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो सरकार द्वारा दिया जा रहा है, उस वेतन में हमारे घर का गुजारा नहीं चल पाएगा। सड़कों पे भीख मांगने की स्थिति आ गई है। निराल अनिश्चितकालीन के लिए हम सभी बैठे हुए हैं और ये धरना अनवरत चलती रहेगी। 5 तारीख के बाद हम आमरण अनशन के लिए तैयार हैं। आमरण अनशन में चाहे जान भी चली जाए, वैसे रोज रोज मरने से अच्छा है कि हम आमरण अनशन करके यहीं निदेशालय पर अपनी जान त्याग दें। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं क्षितिजकांत। आपको बता दें हमारी मौजूदगी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश के कार्यालय के भीतर है और जस्ट पीछे आप देखेंगे हमारे तो एक बैनर आपको दिखाई दे रहा होगा जहां पे लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश। ये अनिश्चितकालीन धरना यहां पर लोगों ने दे रखा है, आप साफ तौर से देख पा रहे हैं यहां पे लोग प्रदर्शन पर बैठे हुए, धरने पर बैठे हुए, 4th दिन है आज। बात करेंगे और जानेंगे ये प्रदर्शन किस लिए, यहाँ पे धरना प्रदर्शन किस लिए चल रहा है। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, नाम क्या आपका? मेरा नाम राम सिंह है। ये पूरा प्रदर्शन किस लिए? ये प्रदर्शन इसलिए है कि हम लोगों को 1989-90 में 1500 मानदेय दिया जाता था। उस समय इंटर कॉलेज जो राजकीय और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों के जो परमानेंट प्रवक्ता होते थे उनका मूल वेतन 1600 रुपया था। आज उनका जो इंटर कॉलेजों में और राजकीय कॉलेजों के परमानेंट प्रवक्ता हैं उनका मूल वेतनमान 47,600 है और हमको 15,000 ही मिलता है। हमको छठवा वेतन समिति का लाभ दिया गया था लेकिन सतवें वेतन समिति का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो हमारे जो मान हमारे वेतन में और परमानेंट टीचरों के वेतन में जो अंतर है उसके लिए प्लस हमें छठा वेतन समिति का लाभ मिला था, 7वां वेतन समिति का लाभ नहीं मिला है, हम उसके लिए बैठे हैं और हम विनियमितकरण के लिए अपने बैठे हुए हैं। और हम लोगों को परमानेंट टीचरों की भांति हम लोगों को काम लिया जाता है और परमानेंट टीचरों को माध्यमिक एजुकेशन एक्ट में लिखा है जो इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं चाहे वित्तहीन हो चाहे मानदेय हो चाहे मूल वेतन हो उनको 12 माह के लिए जो है वेतन या मानदेय देना चाहिए। हमको मात्र 10 महीने का मानदेय दिया जाता है। इसी के लिए हम लोग 19 जून को हमारे पूरे प्रदेश के शिक्षक बैठे थे, अब 19 जून के बाद से हम लोग मंडलवार धरने पर अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठे हैं, धरने पर लगातार बैठे। आप लोग किस तरीके की दिक्कतें हुई? हम लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है, प्रिंसिपल जो है हम लोगों को बहुत परेशान करते हैं, वादन को लेकर के परेशानी होती है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि वादन हटा करके हम लोगों को नियमित किया जाए और हम लोग उतना ही काम करते हैं जितना कि वो परमानेंट टीचर काम करते हैं। मैं भी 5 वादन पढ़ाती हूँ और 5 वादन के हकदार में हम लोगों को भी वेतन पूरा मिलना चाहिए। गवर्नमेंट सरकार ने ये सपा की सरकार ने आश्वासन दिया था, मैं महारानी लक्ष्मीबाई से पुरस्कृत सन 16 में 18 मार्च को मैंने सम्मानित मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी ने किया था, मैंने उनका हाथ पकड़ी थी, पैर पकड़ी थी, मैंने वादा भी किया कि आप मुझे हम लोगों को विनियमित कर दीजिए, उन्होंने आश्वासन दिया कि विनियमित कर देंगे। उसके बाद हुआ क्या कि केवल हम लोगों को लॉलीपॉप थमा दिए। उसके बाद मैं बता रही हूँ कि 10 अप्रैल को फर्स्ट फ्लोर अवार्ड भी मैं पाई, उसमें भी मैंने रो रो करके मंत्री जी को मैं बताया, उस समय फरहाना सिद्दीकी भी थी, उन्होंने कहा कि मैडम आप ले लीजिए, मैंने कहा ये छोटी मोटी मुझे ये आप पुरस्कृत करके क्या मेरे जीवन को आप उद्धार कर देंगी? मेरा जीवन उद्धार तो विनिमित में है, आप उसको कर दीजिए, मैं आपका उद्धार नहीं अगर आप करेंगे तो अगली सरकार
सरकार आपकी कदापि नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, ये मेरे वादा है। और मैं बहन हो करके भाइयों का राखी बांधती हूँ, भाई अगर हम लोग के उद्धार नहीं करते हैं तो मैं इस चीज़ को कभी अपने आप को मार। लेकिन अभी योगी गवर्नमेंट है, योगी गवर्नमेंट में क्या कुछ हुआ? योगी गवर्नमेंट तो केवल कह रही है मैं सुन रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। योगी जी से मिला जाता है, वो कहते संग्राम में है संग्राम। योगी जी से मिला जाता है तो वो आश्वासन देते कि मेरे संज्ञान में करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये नहीं पता है। अब करेंगे नहीं पता। आपका नाम क्या? इंद्र कुमारी। क्या दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? आज हम लोगों को वेतन मान बढ़ाए, विनंतीकरण किया जाए, हम तो चाह रहे हैं विनंतीकरण। हम लोग 99 से काम कर रहे हैं और अभी तक कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग चाहे अतिथि बने रहेंगे, कब तक बने रहेंगे? आप कहाँ से? कानपुर से सर। कानपुर से हैं। अभी तक के लगातार आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कई बार आप लोगों ने अपनी आवाज़ भी उठाई, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो रही, क्या कुछ करेंगे आप लोग? सर हम लोग धरने पर बैठे हैं, सरकार सुनेगी कैसे? नहीं सुनेगी, सुनेगी या नहीं सुनेगी, कल सुनेगी, लेकिन हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं तो बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। लगातार बैठे रहेंगे? जी सर। अच्छा, एक मिनट आपसे बात कर लें। आपने यहाँ के शीर्ष नेतृत्व से बात किया, यहाँ पर भी आए हुए धरना दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से ही बात हुई, क्या कुछ बोलते हैं लोग? ये पहली बात तो मैं बता दूं, शुरू से उत्तर प्रदेश माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षक संघ के जितने भी अध्यापक हैं, 1989 से हम लोग को छला ही जा रहा है। आज जिस वेतन में हम लोग अपने आप को झेल रहे हैं, जिसमें मेरा परिवार रह रहा है, उस वेतन में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के सार्थ में आता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले में मेरा विद्यालय है, लेकिन जो वेतन हम लोग को प्रेजेंट टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा या सरकार द्वारा दिया जा रहा है, उस वेतन में हमारे घर का गुजारा नहीं चल पाएगा। सड़कों पे भीख मांगने की स्थिति आ गई है। अधिकारी शिक्षा निदेशक से लेकर के प्रमुख सचिव तक खाली फुटबॉल खेले जा रहे हैं, आख्या जा रही है, आ रही है, हम लोग को बुला रहे हैं, कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी मुलाकात हुई थी, हमारे विद्यालय में एक कार्यक्रम में आए तो उन्होंने कहा था होगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और इस अल्प मानदेय में मरने की नौबत आ गई है, परिवार के मरने की नौबत आ गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ कर निवेदन है, जैसे और प्रवक्ताओं का वेतन मिल रहा है, हमको ना परमानेंट कर रहे हैं, अगर वो नहीं करते हैं हमको तो माननीय मुलायम सिंह जी से भी छला, आप भी छला, आपकी सरकारें ने भी छली, लेकिन जैसे छठवां वेतन का लाभ हमको मिला है, उसी तरह सातवें वेतन का लाभ हमको दे दिया जाए। और प्लस जो 10 महीने हमको दिया जाता है, 10 महीने अगर हमारा घर चलेगा तो 2 महीने हमारा घर कौन चलाएगा, 2 महीने किससे भीख मांगने जाएंगे? इसलिए माननीय पूज्य महाराज जी से निवेदन है कि हम लोगों को 11 महीना 29 दिन का वेतन और 7वें वेतन का लाभ दें, और हमें अभी कुछ नहीं चाहिए। अगर मांगे नहीं मानी जा रही है तब उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? निराल अनिश्चितकालीन के लिए हम सभी बैठे हुए हैं और ये धरना अनवरत चलती रहेगी। 5 तारीख के बाद हम आमरण अनशन के लिए तैयार हैं। आमरण अनशन में चाहे जान भी चली जाए, वैसे रोज रोज मरने से अच्छा है कि हम आमरण अनशन करके यहीं निदेशालय पर अपनी जान त्याग दें। क्या प्रदर्शन का जो चेहरा है वो बदलेगा भी? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदर्शन का जो चेहरा है, जिस तरीके शांतिपूर्ण आप लोग धरना दे रहे, क्या इसका चेहरा बदल भी सकता है? हम एक शिक्षक हैं, पहले शिक्षक की मर्यादा को निभाह करेंगे। ये अंतिम में ये कहा जाता है कि मरता क्या नहीं करता, वो स्थिति बात की बात है, देखा जाएगा। मरना क्या नहीं करता की स्थिति में क्या करेंगे? अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, 1 तारीख से विद्यालय खुलना है, हम एक शिक्षक हैं, एक शिक्षक के सारी भूमिका को निभा रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, जो भी एक मर्यादा में कर रहे हैं। अभी तक हमने किसी अधिकारी को या इस कैंपस में कोई भी मर्यादा नहीं तोड़ी है, लेकिन अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आमरण अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जान दे देंगे अपनी, लेकिन यहाँ से हटने वाले नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है, लोगों का कहना है, जो यहाँ पर आए हुए सभी शिक्षकों का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो स्थिति इससे भी बुरी होगी। यहाँ पर साफ तौर से ये भी बोल रहे हैं कि आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं, 4th दिन है, देखने वाली बात होगी कि गवर्नमेंट कब चेताती है। दूसरी चीज़, जो इनकी जो मांगे हैं वो कब तक मानी जाती है? तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।